हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सुप्रीम कॉम्पिटेटिव परीक्षा। सुप्रीम कॉम्पिटेटिव परीक्षा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं हरीश बारबात्रे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईबीपीएस एसओ 2020 का एक्सपेक्ट कट ऑफ। जो आईबीपीएस एसओ की प्रिलिमिनरी एग्जाम हुई थी, आपको जैसे कि पता होगा 26 और 27 दिसंबर 2020 को जो ही इसकी एग्जाम कंडक्ट हो चुकी थी, तो उसके एनालिसिस का वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है हमारे चैनल सुप्रीम कॉम्पिटेटिव परीक्षा पर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर उसकी लिंक मैं दे दूंगा, वहां पर जाके आप उसको देख सकते हो। काफी अच्छे जो है व्यूज उसके हमारे जो है आए हुए हैं उस वीडियो के, तो आप जाके उसको देख लीजिए। जो पूरा टोटल एनालिसिस था, कौन से क्वेश्चंस वहां पर पूछे गए थे, मतलब कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चंस कितने वेटेज के लिए जो है, वो सभी बातें जो है उस वीडियो में मैंने कवर की हुई है। इस वीडियो में हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जो है प्रेडिक्ट करेंगे, और जो पिछले साल का कट ऑफ था उसके कंपेरिजन में इस साल का कट ऑफ क्या जाने वाला है, उसके बाद में आपकी जो प्री का रिजल्ट है कब तक डिक्लेयर होगा, और उसके बाद में जो है मेंस आपकी कब होगी, और इंटरव्यू की डेट आपकी कब आएगी, और आपकी ज्वाइनिंग वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमारे साथ आप अंत तक बने रहिए, आपको ये सारी चीजें ध्यान में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस दोनों भी जो है चालू हो चुकी है। आप ऑनलाइन बैचेस के लिए हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट 7020371468। और ऑफलाइन बैचेस के लिए भी आप लोग जो है एनरोल कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का भी जो है 3 दिन का डेमो रहेगा, उसके बाद में जो है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम क्वालिटी टीचिंग मिलेगी, जो आपके सब्जेक्ट्स है रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस, इन पांचों के जो है आपको विद नोट्स ये सब्जेक्ट्स सारे के सारे आपके जो है पढ़ाए जाएंगे, और विद क्वालिटी टीचिंग होगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। एड्रेस जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सुप्रीम एकेडमी प्लॉट नंबर 2 जीवन अक्षय सोसाइटी नियर देसाई ड्राइविंग स्कूल मनीष नगर नागपुर। ये हमारे कुछ सिलेक्शंस आए थे पिछले साल या फिर उससे भी पहले, ओके ये आप देख लीजिए। उसके बाद में मैं पिछले 7 सालों से जो है स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, तो वेरियस स्टूडेंट जो है हमारे जॉब पर मतलब एग्जाम को क्रैक करके जो है अपने सर्विस पे ज्वाइन हो चुके हैं। आप अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रीम कंप्यूटर परीक्षा को आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके बाद में आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जो है फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आईबीपीएस एसओ की प्री एग्जाम हुई थी, राइट, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो कट ऑफ होता है तो वो डिसाइड कैसे होता है, हाउ कट ऑफ फॉर द आईबीपीएस एसओ विल बी डिसाइडेड। तो एक्चुअली देखिए, कट ऑफ आर द मिनिमम मार्क्स, ये क्या होते हैं, एक मिनिमम मार्क्स होते हैं रिक्वायर्ड टू बी स्कोर्ड बाय ईच कैंडिडेट। हर कैंडिडेट को जो है ये कट ऑफ स्कोर करना पड़ता है इन प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज और इंटरव्यू, राइट राउंड। प्रीलिमिनरी एग्जाम इज क्वालिफाइंग नेचर। ये जो प्री एग्जाम था आपका, मतलब 26 तारीख को जो एग्जाम हुआ था दिसंबर को, तो वो जो प्री एग्जाम हुआ था वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब उसके जो मार्क्स है आपके जो इंटरव्यू के बाद में आपका रिजल्ट रखता है आउट ऑफ 100, राइट, आउट ऑफ 100 जो आपके मार्क्स डिक्लेयर होते हैं, मतलब ज्वाइनिंग वाले जिसको जो आपके लास्ट इंटरव्यू के मार्क्स डिक्लेयर किए जाते हैं मेंस और इंटरव्यू के जो स्कोर को मिला के, राइट 80:20 के रेशियो में जो है आपको पता होगा ये स्कोर निकाले जाते हैं, तो उसमें जो है प्री के जो मार्क्स है वो काउंट नहीं किए जाते, सिर्फ प्री जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ओके। ऑल्दो कैंडिडेट्स हैव टू क्लियर इट टू बी इलिजिबल फॉर मेन्स राउंड, ओके, बट आपको ये प्री को इलिजिबल क्वालिफाई करना होता है मेन्स के, मेन्स को अपियर होने के लिए, ये सभी आपको पता होगा। देर आर वेरियस फैक्टर्स दैट डिसाइडेड द लेवल ऑफ द कट ऑफ, तो कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए जो है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो कुछ हम लोग देखेंगे। तो ये इस प्रकार होते हैं, पहला होता है द नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है रिलीज हुए है इस साल। उसके बाद में द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कितने लोगों ने जो है इसको अप्लाई किया हुआ है। द लेवल ऑफ एग्जाम, लेवल ऑफ एग्जाम कैसा था, इजी था, मॉडरेट था या फिर डिफिकल्ट था, तो हमारा इस साल के एग्जाम मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, ये सभी आपको सभी को पता है, राइट। उसके बाद में चेंजेस इंट्रोड्यूस इन एग्जाम, उसके बाद में वो चेक करते कि एग्जामिनेशन में कुछ चेंजेस वगैरह आए हैं क्या, या फिर कोई नए पैटर्न के क्वेश्चन वगैरह जो है वो इंट्रोड्यूस किए हुए के जो पेपर सेटर कमिटी होती है उन्होंने। और लास्ट होता है नॉर्मलाइजेशन, आपको पता है किसी शिफ्ट में अगर टफ पेपर आता है, किसी शिफ्ट का पेपर जो है मॉडरेट आता है, और किसी शिफ्ट का पेपर जो है वो इजी आता है, तो सबको नॉर्मलाइज करना पड़ता है। बिकॉज देखिए स्टूडेंट तो सबको तो सेम मतलब ये मिलना चाहिए, राइट, तो किसी का टफ आता है, किसी का मॉडरेट आता है, किसी का इजी आता है, तो एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है बैंकिंग में, राइट, तो उसको अप्लाई किया जाता है, तो वो इन सभी 4-5 फैक्टर्स के ऊपर जो है आपका कट ऑफ जो है डिसाइड होता है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्रीलिम्स कट ऑफ 2019 का सेक्शनल कट ऑफ क्या था पिछले साल का, तो देखते हैं। देखिए
इंग्लिश का जो है 50 मार्क होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क के लिए, तो उसका पिछले साल का कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का 9.50, रीजनिंग का 50 मार्क्स थे उसका जो कट ऑफ था जनरल का 13.50, और जनरल अवेयरनेस या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसका जो है ये मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स का रहता है और जनरल का गया था ये 11.50। उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज का जो एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी इन चारों जो कैटेगरी का कटअप गया था 6.75, रीजनिंग का गया था 8.75 और आपका जनरल अवेयरनेस का गया था 7.50। ठीक है, इस टाइप से जो है प्रीलिम के कटअप डिक्लेयर हुए थे सेक्शनल वाले, ओके, पिछले साल के 2019 के जनरल एज वेल एज एससी एसटी ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी के। तो देखिए कैटेगरी वाइज हम लोग कट ऑफ को अगर देखते हैं, राइट, पिछले साल के प्रीलिमिनरी को, प्रीलिमिनरी के जो कट ऑफ थे, तो जनरल का देखिए कट ऑफ गया था 81.50, शेड्यूल कास्ट एससी का कट ऑफ गया था 73.25, शेड्यूल ट्राइब का कट ऑफ गया था 64.50, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस का कट ऑफ गया था 79.50, विजुअली इंपेयर्ड मतलब जो देख नहीं पाते हैं विजुअली इंपेयर्ड होता है उनका कट ऑफ गया था 57.38, हियरिंग इंपेयर्ड मतलब जो सुन नहीं पाते उनका कट ऑफ गया था 28.13, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इनका गया था 45.38, और ऑर्थोपेडिकली चैलेंज जो होते हैं मतलब जो मतलब चल वगैरह नहीं सकते अच्छे से, मतलब ऑर्थोपेडिकली जो चैलेंज होते हैं, ओके, जिनके ऑर्थो ऑर्थो मतलब होता है हड्डियां, राइट, तो उनके जो चैलेंज होते हैं मतलब उनका गया था वो है 71.25, ओके। तो ये आपके कैटेगरी वाइज कट ऑफ थे पिछले साल के आईबीपीएस एसओ प्रीलिमिनरी एग्जाम के, राइट। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अभी देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए इस साल का। तो ये देखिए ये सारे चीजों को मैटर करते हुए जो इस कट ऑफ को निकाला गया है, आपका इंग्लिश का कट ऑफ जाएगा 5-6, जनरल अवेयरनेस 13-14 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 8.5-9.5, लॉजिकल रीजनिंग जो जाएगा आपका 11-12, राइट, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस साल का। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर कैटेगरी वाइज हम देखेंगे आउट ऑफ 125 मार्क्स का जो है आपका पेपर था जैसे कि आपको पता है, राइट, तो उसमें अगर देखते हो तो जनरल का आपका जा सकता है 92-95 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का जा सकता है 90-93 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी का जा सकता है 85-90 मार्क्स, एससी का जा सकता है 80-85, एसटी का जा सकता है 75-80, और पीडब्ल्यूडी का जा सकता है 65-75 मार्क्स, ओके। तो एक्सपेक्टेड ये जो है कट ऑफ मार्क्स है आउट ऑफ 125 इस साल के, ओके, 2020 का जो पेपर हुआ था आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम का उसके मार्क्स है ये, राइट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके इंपोर्टेंट डेट्स मेंस और इंटरव्यूज के लिए क्या होने वाले हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन मतलब जो है टोटल 11 बैंक्स ने जो है पार्टिसिपेट किया था इस साल, ओके, इस एसओ के एग्जाम जो प्रोजेक्ट था एसओ का 10th प्रोजेक्ट, राइट, आईबीपीएस एसओ का 10th प्रोजेक्ट, इसमें ये जो है 11 बैंक ने जो है पार्टिसिपेट किया था। तो देखते हैं इसका टेंटेटिव डेट्स क्या है। आपको पता है कि ये जो ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम है ये 26-27 तारीख को कंडक्ट हो चुकी है, राइट, इसका रिजल्ट जो है प्रिलिमिनरी एग्जाम का आपका आएगा अगले मंथ जनवरी में, ओके, अगले मंथ 15 तारीख तक आ जाएगा इसका एग्जाम। उसके बाद में आपके मेंस के कॉल लेटर डाउनलोड होना चालू हो जाएंगे, उसी समय आपका मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा ये 24 जनवरी 2021 को अगले साल, ओके, मतलब अगले मंथ ये 24 तारीख को ये जो है मेंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा फेब्रुवरी में, राइट, उसके जस्ट नेक्स्ट मंथ में आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगा मेंस एग्जामिनेशन का। इंटरव्यू के लिए जो है आप कॉल लेटर्स डाउनलोड कर सकते हो फेब्रुवरी मंथ में ही, राइट, और फेब्रुवरी में आपका इंटरव्यू भी रहेगा और आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है वो होता है आपका अप्रैल 2021 में आपको जो है अलॉटमेंट फाइनल मिल जाएगा, मतलब आपका जॉब जो है आपको मिल जाएगा, आपकी जो ज्वाइनिंग हो कोई भी एक बैंक में, राइट, आपके प्रेफरेंस के अनुसार जो प्रेफरेंस आपने आपके जो है मतलब फॉर्म फिल करते वक्त भरे थे उसके मेरिट मार्क्स के हिसाब से जो है आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ और मतलब भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सभी का जो है सिलेक्शन हो जाए। अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन होगा ही, बिकॉज देखिए आपने जो मेहनत की है ये मेहनत आपकी कहीं नहीं जाने वाली, आपको तो उसका फल मिलना ही है, राइट, किसी भी मतलब कैसा भी मिले बट उसका फल तो आपको मिलना ही है अगर आपने सच्चे दिल से जो है इस साल में मेहनत की है तो इस एग्जाम के लिए, राइट।
तो ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो इस वीडियो में हमको जो है कवर करनी थी, तो मैंने जो है आपको जो सिस्टमेटिकली समझा दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कीजिए। तो हम लोग मिलते हैं हमारे जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे कॉन्फिडेंट। ओके ओके।